छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के नाम पे चुनाव बीजेपी लड़ेगी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव की तैयारियों के बीच छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है कि 2023 में बीजेपी की तरफ से सीएम का चेहरा कौन होगा। वहीं सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी इस बार चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ेगी। चार उपचुनाव में हार के बाद भाजपा किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं करेगी। राष्ट्रीय नेतृत्व संगठन को मजबूत करने में जुटी है। दो दिन पहले भाजपा की प्रदेश प्रभारी दीप पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन का छत्तीसगढ़ दौरा भी इसी उद्देश्य को लेकर था। दुर्ग और बिलासपुर में संभाग स्तरीय समीक्षा के बाद कोर कमेटी की बैठक में भूपेश सरकार को घेरने और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने की रणनीति बनी। सीएम के चेहरे पे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई चेहरा प्रोजेक्ट कर चुनाव नहीं जीता है। छत्तीसगढ़ में 3 चुनाव हमने जीते हैं। यहाँ भी कोई चेहरा तय नहीं था। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश को छोड़ दे तो कहीं चेहरा प्रोजेक्ट कर चुनाव में नहीं गए हैं। चुनाव होने और जीत के बाद विधायक दल की बैठक होती है और एक घंटे में नेतृत्व तय हो जाता है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक नीतियों पर काम करती है। चुनाव में नेतृत्व भाजपा का होगा, कार्यकर्ताओं का होगा, हम सब लगेंगे और हमारे पास सबसे बड़ा चेहरा तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सीएम का चेहरा केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है। हमें प्रदेश सरकार की विफलताओं को लोगों तक ले जाना है। जनता में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश है। हम जनता के सामने प्रदेश की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को लेकर जाएंगे। 2023 में पुनः भाजपा को जिताएंगे, प्रदेश में कमल खिलाएंगे और उसके बाद सीएम का चेहरा तय होगा। जिस राज्य में सीएम नहीं वहां पार्टी चुनाव लड़ती है। पूर्व मंत्री एवं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व का काम ही संगठन को मजबूत करना है। सभी पार्टियों के नेता आते हैं तो काम की समीक्षा होती है, यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे भी प्रदेश प्रभारी सह प्रभारी आए, उन्होंने संभाग और जिले की संगठन की समीक्षा की। उनकी नाराजगी संगठन के लिए है, संगठन को मजबूत करने के लिए इस तरह की नाराजगी स्वाभाविक है। सीएम के चेहरे पे विधायक बृजमोहन ने कहा कि पूरे देश के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चेहरा है, उनकी लोकप्रियता है। जिन राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ उनके चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है, लेकिन जिन राज्यों में मुख्यमंत्री नहीं होते वहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है। पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।